हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। और एडमिशन गाइडेंस के अंदर आज हम बात करेंगे डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कराची की। सो डाओ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी डीपीटी के एडमिशंस का आगाज कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पोस्ट भी मौजूद है और यहाँ पर डाओ यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस भी मौजूद है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डाओ यूनिवर्सिटी की नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से अप्लाई करना है, और ऑनलाइन फॉर्म एंड मैनुअल फॉर्म जो है वो हमें किस तरीके से फिल करना है। सो डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक होगी जिसमें मेरी वेबसाइट की होगी। वेबसाइट पर आकर आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हैं, और डायरेक्ट अगर आप इस पोस्ट पे जाना चाहते हैं तो उसमें अप्लाई इन डाओ यूनिवर्सिटी डीपीटी प्रोग्राम की लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये पोस्ट आ जाएगा। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब ये कि आपका प्री मेडिकल में 60% होना लाजमी है। अगर आपका जो इंटरमीडिएट की परसेंटेज है वो 60% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इस 60% का ये मतलब नहीं है कि अगर आपकी 60% है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। एडमिशन आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा, वो बाकायदा एक एग्रीगेट बनाएंगे, आपका टेस्ट स्कोर ठीक है और उसके साथ आपका इंटरमीडिएट एंड आपकी जो मैट्रिक है उसके मार्क्स को वो इस तरीके से जिस तरह एमकैट में होता है बिल्कुल इसी तरीके से वो कैलकुलेशन करेंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद वो अपना एग्रीगेट बनाएंगे और एग्रीगेट के हिसाब से आपको जो वो सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा नंबर टू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्ट इसमें सिंध के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। आप सिंध के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो आप डाओ यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सीट्स हैं वो कोटा सिस्टम नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिंध की इतनी है, हैदराबाद की इतनी है, बिल्कुल ओपन मेरिट सीट्स हैं। मतलब कोई भी जो टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे वो कहीं से भी बिलोंग करते हों, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हों, जो हाईएस्ट टॉप 50 एग्रीगेट के स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो एडमिशन दे दिया जाएगा। सो आप कहीं से भी बिलोंग करते हो सिंध के, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिंध के अलावा आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद हम बात करते हैं सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम बात करें सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन की तो नंबर ऑफ सीट्स अगर हम बात करें डीपीटी प्रोग्राम की तो टोटल सीट्स 100 है जिसमें 50 ओपन मेरिट हैं। ओपन मेरिट का मतलब कि कोई जो है इसमें आप डायरेक्ट टेस्ट देंगे, टेस्ट में जो 50 टॉप एग्रीगेट के स्टूडेंट्स होंगे उनको जो है वो सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद 50 सेल्फ फाइनेंस सीट्स हैं, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सेल्फ फाइनेंस के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर की, तो जो इनका फी स्ट्रक्चर है वो आप देख सकते हैं कि जो टोटल फर्स्ट ईयर का आपका होगा वो होगा 1,58,000। फर्स्ट ईयर का जो आपका ट्यूशन फी है टोटल मिलाकर 1,58,000। इसके अलावा इसमें आपके एडमिशन फी जो है वो कट हो जाती है, और ट्रांसपोर्ट फी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप ट्रांसपोर्ट अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वरना नहीं, आप पे डिपेंड करता है। तो आप उसमें से 29,000 को रिमूव कर दें तो उसके बाद जो फीस बच जाती है वो आपकी हर ईयर की जो है वो फी होगी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी की। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ। तो ये जो फॉर्म है इसमें डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी अप्लाई करने के लिए आपके पास दो फॉर्म्स मौजूद है, एक आपने ऑनलाइन फॉर्म भी फिल करना है और आपने मैनुअल फॉर्म भी फिल करना है। तो यहाँ पर जो मैनुअल फॉर्म है जो आपने प्रिंट आउट निकाल के करना है उसको आपने ब्लॉक लेटर्स में फिल करना है और आप ब्लैक पेन से फिल करना है। इसके साथ तमाम जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपने उसको फिल करना है, और उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करेंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आपने अटेस्ट करवाना है 18 ग्रेड या उससे अबव के गवर्नमेंट ऑफिसर से। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे अपने फॉर्म फिल करते हुए। इसके अलावा ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने, अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं करते तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब आते हैं हम मेन पार्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये आपके पास डाओ यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट है। अगर आप इस एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगी जिसको आप बिल्कुल क्लियर तरीके से देख सकते हैं, और आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। लास्ट डेट आप देख सकते हैं 3 दिसंबर है, और एंट्री टेस्ट जो है इनका ये 20 दिसंबर को है। टेस्ट और वेन्यू जो है वो फॉर्म फिल करने के बाद आपको बता दी जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए कि कैंडिडेट मस्ट ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। काफ़ी मर्तबा ऐसा हुआ है मेरे फॉलोअर्स के साथ कि उन्होंने ऑनलाइन फॉर्म को फिल नहीं किया, उन्होंने सिंपल जो है इस मैनुअल फॉर्म को फिल करके सबमिट करवा दिया। तो आपने ऑनलाइन फॉर्म जो है वो ज़रूर फिल करना है, मतलब ऑनलाइन भी करना है और मैनुअल। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एक स्टेप को छोड़ देते हैं तो आपका वो एडमिशन कैंसिल कर देंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले प्रोस्पेक्टस की तरफ। तो यहाँ पर आप क्लिक करके प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं जिसमें आप सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ फी स्ट्रक्चर ये तमाम मालूम आपको इस प्रोस्पेक्टस में मिल जाएंगी। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो डाउनलोड हो जाएगा। और इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या है, यहाँ पर आपने अपनी इमेज लगानी है, ब्लॉक लेटर्स के अंदर आपने इसको फिल करना है, और बिल्कुल नॉर्मल सी जो है ना, बिल्कुल आम सी इसके अंदर
आपकी डिटेल्स हैं वो आपने ऐड करनी है। और यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें क्या करना है कि जो आपका डोमिसाइल है या जो आपका पीआरसी है उसके अंदर आपका बाकायदा सर्टिफिकेट नंबर लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें आपके डोमिसाइल और पीआरसी के अंदर मौजूद होंगी। तो आपने फादर और डोमिसाइल का जो पीआरसी है उसमें सर्टिफिकेट नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, नेम ऑफ इशू और प्लेस ऑफ इशू जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। इसके बाद फादर और गार्जियन, अगर आपके फादर ही आपकी फीस पे करेंगे तो आप यहाँ पर फादर का लिख सकते हैं, और अगर आपके फादर अलाइव नहीं है तो फिर आप फादर और गार्जियन दोनों में अपनी मदर की डिटेल्स लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अपने सिंपल जो है वो आपने अपने मार्क्स लिखने हैं, और ये सिंपल सा एक फॉर्म है जिसमें आपने डिटेल्स लिखनी है अपनी फादर की या मदर की या उनकी जो आपकी फी पे करेंगे। उसके बाद ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपने पोस्ट में यहाँ पर भी मेंशन किए हैं, देख सकते हैं, और यही यहाँ पर हैं। तो आपने यहाँ पे सब पे जब फॉर्म को आप सबमिट करवाएंगे तो आपने सब पर यस यस टिक कर देना। ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इसके बाद ये आपका वाउचर है। तो आपने इस फॉर्म को डाउनलोड कर देना, ये तमाम चीज़ें फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने देखिए मैट्रिक का रोल नंबर आपने अपना एंटर करना है, नेम एंटर करना है, फादर नेम आपने लिखना है, और लिखने के बाद आपने इस फॉर्म को जो ये जो आपके पास वाउचर है इस वाउचर को बाबा उर्दू रोड ब्रांच मतलब जो डाउ यूनिवर्सिटी सदर के अंदर सिविल के बराबर में जो यूबीएल बैंक है उस यूबीएल बैंक में आपने जाकर इस फॉर्म को सबमिट करवाना होगा विथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट में ये डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ साथ ये जो आपके सामने वाउचर है ये 2,000 रुपीज़ का है, तो इसमें जो है आपने इस वाउचर की ओरिजिनल कॉपी जैसे बैंक कॉपी बैंक रख लेगा, एप्लीकेंट फॉर्म कॉपी ये जो एप्लीकेंट एप्लीकेशन फॉर्म कॉपी है ये आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच कर कर आपने उसी बैंक के अंदर फॉर्म फिल कर कर उसी बैंक में सबमिट करवा देनी है एक एनवलॉप के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ जब आप इस पूरे फॉर्म को फिल करेंगे तो काइंडली इस फॉर्म की एक फोटो स्टेट एक कॉपी करवा कर अपने पास रख दीजिएगा फॉर फर्दर मतलब कोई भी क्यूरीज कोई भी मतलब प्रॉब्लम ना हो इसलिए अपने पास रख दीजिएगा। बाकी ये कॉपी भी आपने डाउ की है, ठीक है, और ये एप्लीकेंट कॉपी जो है ना ये आपके पास रहेगी, ठीक है। अब ये तो हो गया मैनुअल तरीका जिसमें आपने डाउनलोड एप्लीकेशन करनी है और इसको फिल करना है। इसके बाद हम आते हैं ऑनलाइन फॉर्म की तरफ। ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या करना है, आपने इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म इस तरीके से आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस फॉर्म के अंदर ये तमाम डिटेल्स हैं जो मैंने इंटर कर दी हैं आपने करनी है। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर आपने अपना सीएनएससी नंबर लिखना है। अगर आप अंडर 18 है तो आपने क्या करना है अपना बी फॉर्म के अंदर जो आपका नंबर है वो यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पासवर्ड इंटर करना है, मैं अपना पासवर्ड इंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना नेम, फुल फादर नेम, ठीक है, ये स्टेटस देना है, जेंडर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में याद रखिएगा कि पहले मंथ आपने इंटर करना है, उसके बाद आपने डे और उसके बाद ईयर इंटर करना है। देन कौन सी कंट्री है बर्थ की, लोकेशन, रिलीजन, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, ठीक है, और पीआरसी कौन से डिस्ट्रिक्ट का है, फादर या मदर का डोमिसाइल कहाँ का है, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है, फ़ोन नंबर आपके पास ऑप्शनल है, लिखना चाहें तो लिख दें वरना ना लिखें, आपका एड्रेस क्या है प्रेजेंट जो प्रेजेंट एड्रेस है। इसके बाद आपका गार्जियन या जो फादर है उनकी डिटेल्स आपने ऐड करनी है, उनका मोबाइल नंबर। अब आता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, इसके अंदर आपने क्या करना है, सिंपल सा है कि मैट्रिक पे क्लिक किया, मैट्रिक का पासिंग ईयर, आपने ऑब्टेन मार्क्स, बोर्ड, टोटल मार्क्स और अपना ग्रेड, ठीक है, ग्रेड ए है, ए प्लस है, जो भी है। इसी तरीके से आपने इंटर की डिटेल्स दे देनी। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने पार्ट टू के, याद रखिएगा पार्ट टू के जो है वो अपने मार्क्स इंटर करने हैं, जिसमें आपने क्या करना है कि केमिस्ट्री के थ्योरी के मार्क्स, फिजिक्स के और यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स, और ये ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इनको फिल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। जैसे देखें मैं 15 को रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे देखें 237 हो गया। जैसे मैं 15 को ऐड करूंगा ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, 252 हो गया। याद रखिएगा जस्ट आपने पार्ट टू के इसके अंदर इंटर करने। उसके बाद ये वही डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने अपनी वेबसाइट पे यहाँ पर मेंशन किए, देख सकते हैं ये वाले, इन्हीं तमाम डॉक्यूमेंट्स पे आपने क्लिक कर देना ऐसे, ये आपके पास यूँ होंगे, आपने इन पे सब पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे एक मरतबा फॉर्म को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखें, अपना पासवर्ड, अपना सीएनएससी नंबर, ये तमाम चीज़ें देख लें, और देखने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पर जो है क्लिक कर देना। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है By clicking the submit button, you confirm that you have filled the online application form carefully. ठीक है, ये तमाम चीज़ें, और याद रखिएगा कि आप ये complete हो और accurate information हो। उसके बाद आपने इसको select किया, ये proceed करेगा, और proceed करने के बाद आपको ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपने please upload picture, आपने अपनी जो picture है वो upload करनी है, तो आपने यहाँ पे choose करनी है और upload and file, पहले choose file पे click करें, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पे click किया, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ अपना logo, ये मैंने अपना logo जो है वो इस पर क्लिक किया और ये हो गया, ठीक है, मैंने अपनी फाइल इंटर कर दी। देखें यहाँ पे ये आ रहा है 927074। इसके बाद आपने यहाँ क्या कर देना, अपलोड पिक्चर एंड फाइनल सबमिट। जैसे ही आपने यहाँ पर सबमिट किया तो क्या लिखा हुआ आ रहा है,
डियर संजय, योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली. इन केस ऑफ एनी चेंज यू कैन लॉग इन विद योर सीएनएससी एंड पासवर्ड एंड कैन मॉडिफाई द एप्लीकेशन फॉर्म एंड फॉर क्यूरी. अब ये मेरा फॉर्म जो है वो फिल हो चुका है. अब इसके अलावा अगर मुझे कुछ भी चीज़ें होंगी, कोई भी चेंजेस करनी होंगी, तो मैं कर सकता हूँ दोबारा से लॉग इन कर. ठीक है, वो लॉग इन कैसे करूँगा, जैसे देखें अब मैं यहाँ पर वापस आया, अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ. ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना फॉर्म आ चुका है जो मैं फिल कर चुका हूँ. तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही अपनी जो भी चेंजेस करनी होंगी, चेंजेस करने के बाद प्रोसीड एंड सबमिट टू नेक्स्ट स्टेप मैंने कर देना है. अब ये जो ऑनलाइन फॉर्म फिल हो गया, बस आपने यहीं तक करना है, इसकी कोई कॉपी नहीं है, आपने इसको डाउनलोड बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, ये जैसे फॉर्म फिल कर दें, एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला जो है आपके पास, इसको सबमिट, इसे प्रिंट आउट निकालें, इसे फिल करें, इसमें अपनी इमेज लगाएं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इस पेड चालान के साथ आपने इसे सबमिट कर देना है. तो आई होप कि इस वीडियो के अंदर आपको तमाम डिटेल्स मिल गई होंगी. इसके अलावा आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं. थैंक यू.